नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन किस तरह से डिराइव किया जाए। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन हम यहाँ पर डायमेंशनल मेथड या डायमेंशन का यूज़ करते हुए डिराइव करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन की एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। उससे पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं, देख चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम इससे फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन से रिलेटेड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन करने का पैटर्न एक ही है, मतलब क्वेश्चन करने का तरीका एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के दो पैटर्न हो सकते हैं। दोनों पैटर्न के बारे में हम आराम से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या बोलता है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, डायरेक्टली समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पी डिपेंड्स ऑन मास एम, हाइट एट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, देन डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन देम। तो हमें क्या किया है, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पी जो है वो बताया गया है कि वो मास जी और एच पर डिपेंड करती है, लेकिन कैसे डिपेंड करती है वो हमें नहीं पता। तो किस तरह से चेक करते हैं, यहाँ पर करने का एक तो एक पैटर्न फर्स्ट ये हो गया, जिसमें इस तरह से बोला जाएगा कि एक क्वांटिटी तीन क्वांटिटीज या दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, यहाँ पर तीन से ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दी जाएगी। जैसे तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पी वो किस पर डिपेंड करती है, एम पर डिपेंड कर रही है, जी पर डिपेंड कर रही है और एच पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा कि अब मुझे नहीं पता कि एम की पावर कितनी है, तो मैंने मान लिया एम की पावर ए है, जी की पावर बी है और एच की पावर सी दिया हुआ है। एम की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इस तरह से दी हुई है। हम रैंडमली, यहाँ आप ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, लेकिन आपको मानना जरूरी है। आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे नहीं ले सकते कि एम जी एच सिंपली, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ए की पावर जो ए की जो भी वैल्यू ए बी सी और जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पर मैक्सिमम थ्री क्वांटिटीज हो सकता है, टू भी हो सकता है और एक भी चलेगा, लेकिन अगर ये पी अगर चार अलग अलग क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा होगा तो इस मेथड के थ्रू यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। लेट अस से एम जी मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट, और अगर एक और टाइम और आ जाता तो फिर इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैक्सिमम एक क्वांटिटी तीन क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करे तो ही हम निकाल सकते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि और चार क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन इस मेथड के थ्रू हम सिर्फ लिमिटेशन ये कि थ्री क्वांटिटीज हो तो ही मैक्सिमम थ्री क्वांटिटीज रह सकती है। आगे क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ। प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाओगे तो मास जी और वापस ये वाली चीजें जैसी है वैसी की वैसी आपको रख देनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर m की पावर a ये सारी दी हुई है, अब जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसकी अब डायमेंशन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये पोटेंशियल एनर्जी, मैंने भले ही p से रिप्रेजेंट किया, पोटेंशियल एनर्जी है। तो एनर्जी किसी भी टाइप की है उसकी डायमेंशन क्या होती है, एम वन एल टू टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन होगी। के डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसको हम के जो है यहां पर ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होगा, इसकी कोई डायमेंशन हमें नहीं लिखनी है। मास की डायमेंशन एम की पावर ए, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अब एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का उसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू होती है और इसकी पावर बी, ये पावर लगाना मत भूलना क्योंकि ये जी की पावर बी लगी हुई है, तो डायमेंशन लिख के उसकी पावर बी आपको लिखनी है। h लेंथ है तो लेंथ के लिए c आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर इन सबको कंबाइन करना है। सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लो, इसको अंदर लिखोगे तो ये a की पावर m की पावर a हो जाएगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो l की पावर b t की पावर माइनस टू बी और l की पावर c बन जाएगा। अब इन सबको एक साथ लिखना है, तो एक साथ लिखने के लिए m की पावर m देखो यहीं पर है सिर्फ, तो m की पावर l कितनी बार आ रहा है, एल यहाँ पर भी और एल यहाँ पर, यहाँ एल की पावर बी है और यहाँ एल की पावर सी दी है। तो आप क्या करोगे, एल की पावर बी और ये दोनों बेस एक जैसे हैं,
तो यहाँ पर पावर को ऐड कर देना है आपको हमेशा, क्योंकि अगर बेस एक जैसे हो तो, और दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम ऐड कर देते हैं बेसिकली। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट में और इस तरह से लिखा होता है ना, इनके बीच में एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का ही साइन होता है, वो हम दिखाते नहीं है बस। तो एल की पावर बी और एल की पावर सी आपस में मल्टीप्लाई है तो एक साथ लिखेंगे, तो एल की पावर बी प्लस सी। टी की पावर सिर्फ यहीं पे है तो टू ये हमारे पास हो जाएगा, और ये एम एल टू टी माइनस टू। अब देखो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि इधर जो लिखा हुआ है डायमेंशन और इधर जो डायमेंशन लिखी, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पावर एम, यहाँ एम है तो यहाँ पर भी एम है, यहाँ एल है यहाँ पर भी है, तो यहाँ एम की पावर जो है वही एम की पावर इधर भी होनी चाहिए, है ना। यहाँ एल की पावर जो है वही एल की पावर इधर, तो यहाँ पर एम की पावर जितनी भी दी है उसको इस साइड वाली एम की पावर से के इक्वल कर देंगे, एल की पावर जो यहाँ दी हुई उसको इधर की एल की पावर के इक्वलेंट कर देंगे। तो देखो इसको आगे देखें, देखो ए की एम की पावर ए थी तो ए इक्वल्स टू वन कर दिया, यहाँ पर बी प्लस एल की पावर सी, बी एल की पावर बी प्लस सी है तो इधर एल की पावर है टू, तो यहाँ पर ये इसकी इक्वलेंट कर दिया, और यहाँ पर माइनस टू बी, और ये यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का टू, तो ए की वैल्यू वन हो जाएगी, और यहाँ पर कैंसिल आउट होगा ये, तो बी की वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वन प्लस सी इक्वल्स टू टू, तो सी की वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, और बी की वैल्यू वन यहाँ पर हो जाएगी। तो ए इक्वल्स टू वन, बी सी इक्वल्स टू वन, और बी इक्वल्स टू वन, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमारा पास सॉल्यूशन, हमारी पास जो रिजल्ट था वो क्या था कि पी इक्वल्स टू के था एम की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी। तो पोटेंशियल एनर्जी के एम की पावर वन, ए बी सी सबकी वैल्यू वन है, तो एम जी एच, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से डिपेंड कर रही है। अब अगर ए की पावर 1/2 हो जाता तो यहाँ 1/2 लिख देते, यहाँ कुछ और होता तो उसके, यानी कि अब इसमें लिमिटेशन ये है, कमी ये है कि भाई यहाँ पर ये के क्या है किसको मालूम, ये यहाँ हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस के की वैल्यू को हम इस मेथड से पता नहीं कर सकते, अगर हम इसको प्रॉपर डिराइव करके, जो बाकी चीज़ों से डिराइव किया जाता है कोई भी फॉर्मूला नॉर्मल तरीके से या किसी और तरीके से, तो वहां पर इसकी वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर डायमेंशनल मेथड से हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को दो बाकी फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस पर बता रहे हैं, तो वहां पर हम ये पता नहीं कर सकते। तो हमें क्या चीज़ पता चली, क्या करना है हमें, यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी होगी उसको प्रोपोर्शनल का साइन लगा के, प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ और पावर्स ए बी सी लिख दो। ए बी सी की जगह आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लगा देना, और जो भी टर्म आपके पास दी हुई है, जो भी क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन यहाँ पर जरूर लिख देना। उनकी डायमेंशन आप लिखते रहोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। अब फाइनली जब इसको कंबाइन करोगे तो इधर जो एम की पावर है उसको एम की पावर से कंपेयर करो, यहाँ एल की पावर जो है उसको एल की पावर से कंपेयर करो, यहाँ पर जो पावर है उसको इस पावर से कंपेयर करो, तो हमें अलग अलग पावर्स के साथ इसको कंपेयर करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है ना, या कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो उस पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में लगता है ना, जो भी फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर एंड रेडियस पर। मास, वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये फोर्स है, सपोज ये डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर एंड रेडियस पर। मैंने पावर ए बी एंड सी ले ली, जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है वो। इस तरफ कौन सा रखना है, जिसकी डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, और इस तरफ वही तीन क्वांटिटी रखनी है जिस पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन से वो हमें पता लग जाएगा। अब आगे का काम क्या करना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, के लगा दो तो मास, और वी की पावर बी और आर ये सी।
अब आगे क्या करना है, जो भी क्वांटिटीज आपको यहाँ दिख रही है उन सबके डायमेंशन लिख दो, सिंपली डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखोगे तो क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू फोर्स। अब सेंटीपिटल फोर्स हो या दुनिया का कोई भी फोर्स हो, किसी भी दुनिया से उठा के लाया गया बताया गया फोर्स हो, उसकी डायमेंशन एक ही जैसी होगी। के की कोई डायमेंशन लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्यों नहीं लिखनी है। मास एम और ये, और V की जो डायमेंशन है एल टी माइनस वन, और B और ये हो गया L, ठीक है। तो M L T माइनस टू इक्वल्स टू M की पावर A, L की पावर B प्लस C और T की पावर माइनस B। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि m की पावर है। अब देखो यहाँ पर कैसे है कि l की, जब इसको अंदर मल्टी अंदर लोगे तो यहाँ l की पावर b बनेगा और यहाँ l की पावर c बनेगा, है ना, ये प्लस है बेसिकली, l की पावर c बनेगा। तो यहाँ पर जब ऐड होगा तो b प्लस c हो जाएगा, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर माइनस b बन जाएगा। अब चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर a, l की पावर b और यहाँ पर माइनस बी एंड एल की पावर सी। अब देखो यहाँ से तुम्हें क्लियर पता लग जाएगा। अब इस स्टेप के बाद क्या करना होता है बताओ, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना होता है कि जो एम की पावर होती है, यहाँ पर एम एल टी इनकी पावर्स है, उनको कंपेयर करेंगे इधर जो क्वांटिटीज़ लिखी है। तो एम की पावर यहाँ ए है, तो यहाँ एम की पावर कितनी है, वन। तो ए इक्वल्स टू क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे। बहुत आसान सा तरीका है कंपेयर करने का। तो ए इक्वल्स टू वन हो गया। इधर b प्लस सी लिखा है, तो b प्लस सी l की पावर, यहाँ l की पावर क्या है, वन, तो यहाँ वन लिख दिया। सिमिलरली माइनस b t की पावर, और इधर क्या लिखा है, माइनस का टू, t की पावर माइनस b और यहाँ माइनस का टू, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई, a की वैल्यू आ गई वन। तो जब b की वैल्यू टू है तो ये टू प्लस सी इक्वल्स टू वन, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का वन। तो अब देखो दोस्तों यहाँ ए बी सी की वैल्यू पता लग गई, तो यहाँ से मैं फोर्स बता सकता हूँ अब। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा K M की पावर वन, A दिया हुआ है, V की पावर B दिया है तो B की पावर टू, और R की पावर माइनस वन। तो ये F इज इक्वल्स टू K M V स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर इस R को नीचे लेके आ जाओ। क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ है, इन्वर्स दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में आई ये बात, किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए जो इक्वेशन है वो इस तरीके से बता सकते हैं कि के एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा क्या करना है, प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा। चलो अब इसका एक अगला पैटर्न मैं बताता हूँ। अब कभी भी ऐसा दिया जाए डरने वाली बात नहीं है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमें क्वांटिटीज़ दी है उसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। और अगर डायमेंशन नहीं है तो इनिशियली आप आपके पास एक डायमेंशन की लिस्ट बना के रखो। नॉर्मली मैकेनिकल क्वांटिटीज़ ही दी जाती हैं, है ना, जब भी आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आता है तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन होगा जिसमें ऐसी ही क्वांटिटी दी जाएगी जिसके बारे में आपको नॉर्मली पता होगा, जैसे वर्क हो गया, फोर्स हो गया, है ना, वेलोसिटी, मास, मोमेंटम, इस तरह की ही क्वांटिटीज़ आपको दी जाएगी। बहुत अलग क्वांटिटी नहीं दी जाएगी जो कभी आपने सुनी नहीं हो, ऐसा नहीं। और अगर होगा तो वो साइड में मेंशन करेगा कि उसकी डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। चलो अब इसका सेकंड पैटर्न देखते हैं। करने का तरीका बिल्कुल यही, अब हो जाएगा लैंग्वेज में चेंज, है ना, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, करने का तरीका वही है। मतलब एक तुम ये मान के चलो कि बच्चा एक स्टूडेंट है, वो पहले एक मंडे को किसी और ड्रेस में आता सन, और ट्यूसडे को किसी और ड्रेस में आ गया, तो उसको ट्रीट करने का तरीका एक ही चीज़ होगी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका वही होगा। तो आओ देखते हैं उस मेथड को भी, उस तरीके को भी। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये पैटर्न सेकंड है। इस सेकंड पैटर्न में लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। दिया है कंसीडर फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड आउट
न्यू डायमेंशन ऑफ मास, मतलब कि ये बोल रहा है। अब वैसे तो लोगों को सुन के लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो उल्टा सीधा, फोर्स तो ना फोर्स और वेलोसिटी तो ना फंडामेंटल क्वांटिटी होती नहीं होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर ये दोनों, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी, ये तो ऑलरेडी होती है, अगर ये दोनों भी, तो एफ वी और टी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर कर लिया जाए तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में मास की डायमेंशन क्या निकल कर आएगी, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि एक नई क्वांटिटी, तो डायमेंशन किसके निकालनी है, मास के निकालने, किसके टर्म्स में निकालनी, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करते हुए। तो बेसिकली इसको अगर मैं, अब ये लैंग्वेज वही है, पैटर्न करने का, क्वेश्चन करने का तरीका वही हो जाएगा, मैथड वही है करने का, लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी डायमेंशन निकालनी है, एम की। तो एम किस पी की डायम, किन किस टर्म में निकालनी है, एफ वी और टी की टर्म में निकालनी। तो क्या करो, कोई एम प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, है ना, वही पैटर्न पुराना वाला। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा, ए वी की पावर बी टी की पावर सी हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आएगा, आया होगा मतलब, ठीक है। तो अब करना क्या है आगे, अब करना बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं हमें, क्योंकि अब अपने आप हो जाएगा ये। तो मास यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब क्या करना होता है कि यहाँ पर सबकी जो डायमेंशन है, अलग सिंपल जो डायमेंशन है ना, सिंपल ये तो क्वेश्चन पैटर्न का तरीका हो गया, हमें तो क्वेश्चन बोलने के तरीके से समझ भी आना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। तो हम यहाँ पर सबकी डायमेंशन लिख दो, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, एम एल ज़ीरो टी ज़ीरो मैंने लिख दिया। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आगे काम आएगा बस। तुम सिंपली एम वन भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, के की कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पर, ये बस लैंग्वेज है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि इसको तो फोर्थ फंडामेंटली लिखा था ना, तो फिर इसको आगे क्यों कर रहे हो सोल्व, क्योंकि हमें ओरिजिनल फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में ही लिख के आंसर निकालना पड़ेगा, उसी से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर ये बोलने का तरीके से हमने बस यहाँ तक कर दिया, अब उसके बाद इसको छोड़ो। अब इसको सिंपली जो हम पहले वाले पैटर्न को जैसे सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व कर देना है। तो वी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन की पावर बी, और टी तो टी ही होता है, तो एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी तुम्हें क्लियर होगा, देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एम की पावर एल, एम की पावर ए, एल की पावर भी ए यहाँ पर, और टी की पावर माइनस टू ए हो जाएगा यहाँ पर, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी और टी की पावर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको एक साथ लिखूंगा तो m की पावर तो a ही आएगा, l की, l कहाँ कहाँ पर है, एक इस जगह और एक इस जगह, तो l की पावर कंबाइन हो जाएगी, ऐड कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना अगर एक जैसी टर्म लिखी हुई थी। अब t यहाँ पर इस जगह पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ t की पावर कितनी है, माइनस का 2a, यहाँ कितनी है, माइनस का b और प्लस का c, तो m 1 l 0 और T0 यहाँ गया। अब तुम खुद देखो, यहाँ कंपेयर करेंगे जब, यहाँ पर M है A, यहाँ पर कितना है 1, तो A की वैल्यू तो 1 के इक्वल होगी। यहाँ L की पावर है A प्लस B, लेकिन यहाँ L एक्चुअल में कुछ लिखा नहीं था, तो L की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर मैं इसको नहीं लिखता, मान लो कि M 1 होता और यहाँ L नहीं लिखा होता, तो भी हम क्या मान के चलते कि L की, L इधर तो कुछ है नहीं, इस साइड L तो है नहीं कुछ, इस साइड L नहीं है, इसका मतलब यहाँ L की पावर A प्लस बी को ज़ीरो के इक्वल करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ T की पावर आ रही है, लेकिन यहाँ T नहीं है, तो इस पूरी पावर को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो कंपेयर जब हम करते हैं तो क्या निकल कर आता है हमारे पास, देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर A की वैल्यू तो 1 की इक्वलेंट आ गई। ये मैंने कंपेयर किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में A की पावर, L की पावर क्या है, और राइट हैंड साइड पर L की पावर क्या है, ठीक है ना, उस तरीके से। अब थोड़ा और देखोगे तो b इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 1 हो गई। इधर देखोगे तो माइनस बी, ए की वैल्यू है 1 माइनस, और ये माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब देखो तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला होता कि एम की डायमेंशन लिखो, तो अब लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? हमने क्या लिखा था, बेसिकली हमने लिखा था एम प्रोपोर्शनल है एफ की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी, यही लिखा था हमने। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको डायमेंशन के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना लास्ट में आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन को हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। तो एफ ए की वैल्यू 1 है, वी की पावर बी है तो बी की वैल्यू -1 है और टी की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये निकल कर आ जाएगा। तो पैटर्न करने का वही है, बस जो क्वेश्चन करने का तरीका है, लैंग्वेज है, वो चेंज हो गया, फाइनल आंसर लिखने का जो तरीका है वो यहाँ चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलो आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़। मैं यहाँ पर लास्ट में अभी आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आप लोगों का आया है, ठीक है। और उसका जो सॉल्यूशन है मैं फिर आप पूरा देख लो, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन जो है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा उस पर टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, आई होप आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करना और इनका जो सॉल्यू जो आपका आंसर जो भी आता है वो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे रिलेटेड जो भी आंसर्स होंगे, जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एक बार आप ट्राई करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सी यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।